Hello students, welcome to Best Education Classes. In this video, we are going to discuss developing a story. English writing skill का बहुत ही important section है, जहाँ पर आपको अपनी creativity दिखानी होती है. Question में, जो हम further discuss करने वाले हैं example question, उसमें आपको कुछ outlines दिए होते हैं. उस outline based के basis पे आपको एक story develop करनी होती है and वो स्टोरी जो होगा उसका मॉरल भी होना बहुत ही ज़रूरी है. यानी कि आप कोई भी स्टोरी नहीं लिख सकते, स्टोरी आपको बहुत सोच समझ के लिखना होता है, जिसमें आप कुछ ना कुछ मॉरल यानी कि सीख दे सको. सो वी विल सी विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, एंड एग्जांपल के हेल्प से हम फर्दर इसके टिप्स एंड ट्रिक्स को भी डिस्कस करते जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो. वीडियो अगर आपको पसंद आए तो तुरंत वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में हमें आपके और भी एजुकेशनल डिमांड्स बताते रहिए, सो दैट हम ऐसे ही वीडियोस बना के आपकी हेल्प करते रहेंगे. वीडियो अगर आपको बहुत हेल्पफुल लगे, बहुत यूज़फुल लगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए. वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे टिप्स और ट्रिक्स बता सकूँ, ताकि आप इस मुश्किल राइटिंग स्किल को भी आसानी से कर सको. लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड चेंज द एंडिंग. Give the story a title. So यहाँ पर एक already story दिया हुआ है, story का just आपको ending change करना है. अब ending change करना है यानी कि already आपको ये जो दिया हुआ है part, ये ending ही है. So इसमें आपको ending को change करना है and change करके अपने point of view से, अपने तरीके से story को लिखना है. इसके outline को देखते हैं. A crow was sitting on the branch of a tree eating a piece of cheese. A fox saw him and wanted the cheese. ये बहुत ही famous story है fox की और crow की, जहाँ पर एक crow होता है वो एक पेड़ पर बैठकर कुछ खा रहा होता है. यहाँ पर cheese बताया गया है बहुत सारे stories में, वहाँ पर कुछ और भी fruit वगैरह का नाम बताया गया है. इतने में उसको एक fox देखता है और fox को वो cheese चाहिए होता है. अब fox कहता है, crow, Mr. Crow, Mr. Crow, you sing so well. Why don't you sing a song for me? He said. फॉक्स बोलता है कि क्रो तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तो व्हाई डोंट यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी. द क्रो वॉज फ्लैटर्ड. ये सुनकर क्रो बहुत ही खुश हो जाता है और वो क्या करता है, अपना मुंह खोलता है गाने के लिए. जैसे वो गाने के लिए मुंह खोलता है तो जो चीज़ का टुकड़ा होता है वो उसके मुँह से निकल कर ज़मीन पर गिर जाता है. फॉक्स उसकी तरफ झपटता है चीज़ की तरफ और चीज़ को लेकर हंसता हुआ वहाँ से भाग जाता है. ये सब देख कर क्रो बहुत ही दुखी हो जाता है. सो ये था आपका स्टोरी का आउटलाइन. अब इसमें जो एंडिंग है, एंडिंग हमारा कुछ ये था, जहाँ पर वो मुंह खोलता है, चीज़ उसके मुंह से गिर जाता है और फॉक्स लेकर उसको भाग जाता है. तो अब जो हम स्टोरी डेवलप करेंगे उसमें बस हमें ध्यान देना है कि हमारा जो एंडिंग है वो कुछ इस तरीके से ना हो. बट वन मोर थिंग, कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन है. हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि हम यही सेम स्टोरी को लिखते हैं और बस लास्ट के यानी कि इसी में से सेंटेंस को चेंज कर देते हैं. बट ये कम्प्लीटली रॉन्ग है. आपको स्टोरी को डेवलप करना है यानी कि स्टोरी को एलोबरेट करना है, स्टोरी को आपको एक्सपांड करके लिखना है. नाउ व्हेन यू स्टार्ट टू राइट द स्टोरी, आपका फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगा कि आप स्टोरी के रिलेटेड एक टाइटल दो. जैसे कि हर स्टोरी का एक नाम होता है, वैसे ही आपको एक स्टोरी का टाइटल देना होता है. टाइटल पेज सेंटर्ड होना चाहिए एंड टाइटल के लिए भी आपको क्वेश्चन, ओवरऑल क्वेश्चन में मार्क्स होता है, तो आप उसमें ज़रूर ज़रूर ध्यान दें. नाउ हियर वी हैव डेवलप्ड द स्टोरी. एज यू कैन सी, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा स्टोरी को एंड आपको खुद पता चलेगा कि कैसे हमने आउटलाइन में से, छोटे से आउटलाइन में से काफ़ी बड़ा सा स्टोरी डेवलप कर लिया है. द क्रो वॉज फ्लैटर्ड. ही ओपन्ड हिज माउथ टू सिंग एंड देन ही सडनली रिमेम्बर्ड वॉट हैड हैपन्ड द लास्ट टाइम द फॉक्स हैड प्रेस्ड हिम. तो फॉक्स, क्रो जो है वो फ्लैटर्ड हो जाता है, खुश हो जाता है और वो मुंह खोलने ही जा रहा होता है. इतने में उसको याद आता है कि कुछ दिन पहले भी फॉक्स ने उसको ऐसे ही प्रेस किया था और उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम ये हुआ था कि 15 दिन पहले ही हैड बीन सिटिंग ऑन द सेम ट्री. वो सेम ट्री पे बैठा था. फॉक्स टोल्ड हिम दैट हिज फेदर्स वर सो ब्यूटीफुल दैट ही द फॉक्स वॉन्टेड टू टच एंड एडमायर देम. फॉक्स ने उससे कहा था कि उसके पंख इतने अच्छे हैं कि उसको वो टच करना चाहता है. द फॉक्स हैड हम्बली आस्क द क्रो टू कम डाउन फ्रॉम द ट्री. और फॉक्स ने उसको उल्लू बना करके पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहा ताकि वो उसके पंख को, फेदर्स को, पंख को टच कर पाए.
No sooner had the crow reached the ground, the fox had pounced on him. The crow had flown off in alarm and saved his life, but he had lost a few of his beautiful feathers in this process. और जैसे वो नीचे आता है वैसे ही वो फॉक्स उस क्रो के ऊपर झपट जाता है, लेकिन वो अपना जान बचाकर वहाँ से उड़ जाता है। इसमें कुछ उसके पंख भी उस झपट्टे में चले जाते हैं। माई डियर फॉक्स, सेड द क्रो, नाउ आई मे लुक लाइक अ फूल टू यू, बट टू दोज हु राइट स्टोरीज आई एम नॉट वेल। आई विल सर्टनली सिंग फॉर यू, हियर आई गो। और फॉक्स को क्रो बोलता है कि फॉक्स तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते, और ख़ास करके उन लोगों को जो स्टोरी लिखते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गाना ज़रूर गाऊंगा। द क्रोस बिगेन टू सिंग लाउडली एंड हार्शली, द फॉक्स वेटेड होपफुली फॉर द चीज टू फॉल डाउन। आफ्टर 5 मिनट्स द क्रो बिगेन टू लाफ। अब वो गाना गाना शुरू करता है और फॉक्स नीचे खड़े होकर इंतज़ार करने लगता है। वो देखता है कि काफ़ी टाइम से वो गा तो रहा है लेकिन उसके मुँह से चीज़ गिर नहीं रहा है। और 5 मिनट के बाद जो क्रो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। आई टोल्ड यू फॉक्सी, ही सेड, आई हैव बिकम स्मार्ट। वो बोलता है कि देखो मैं पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गया हूँ। दिस पीस ऑफ चीज़ विल नॉट फॉल इन टू योर ग्रीडी जॉज, ये जो चीज़ है वो तुम्हारे लालची जबड़ों तक नहीं पहुँचेगा। वॉट डू यू थिंक माई क्लॉज आर फॉर, मेरे पंजे किस लिए हैं। आई हैव हेल्ड द चीज़ सिक्योरली विथ माई क्लोज, और मैंने जो चीज़ है उसको अपने पंजों से काफ़ी तेज़ी से काफ़ी अच्छे से पकड़ कर रखा है। डू यू वॉन्ट टू सिंग मी मोर सॉन्ग्स, क्या तुम चाहते हो कि मैं और गाना गाऊँ। द फॉक्स स्नॉर्टेड एंड लोप्ड अवे एंग्रीली, ये सब सुनकर फॉक्स काफ़ी निराश हुआ और वहाँ से एक जोर का लंबी सांस लेकर वहाँ से गुस्से में चला गया। रियली एवरी थिंग वॉज टॉपसी टॉर्सी टुडे, क्रोज वर नॉट सपोज टू बी सो स्मार्ट। और आज का जो दिन था वो काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। क्रो जो होते हैं वो इतने स्मार्ट नहीं होने चाहिए। तो देखो हमने इसमें कितने आसानी से एंडिंग को चेंज कर दिया है। आप इसमें कुछ और भी चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंग, एज इफ आप इसका एंड चेंज कर सकते थे कि जहाँ पर जो क्रो है वो पहले उसको खा लेता है और खाकर फिर गाना शुरू करता है, या फिर वो उसे गाने से मना कर देता है। बट आप ध्यान दीजिए कि आपको थोड़ा तो स्टोरी यहाँ पे एक्सपैंड करना होगा। स्टोरी लिखते टाइम आप जो भी कन्वर्जेशन लिखोगे, कन्वर्जेशन को हमेशा आप डायरेक्ट स्पीच जैसा लिखो, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में करके लिखो, जिससे आपका स्टोरी का ओवरऑल प्रेजेंटेशन काफ़ी इम्प्रूव होता है। स्टोरी हम जो लिखते हैं वो मोस्टली पास्ट टेंस में होता है, तो आप सेंटेंसेस उसी हिसाब से बनाओ, एंड कन्वर्जेशन के अकॉर्डिंग वो सेंटेंसेस चेंज भी हो सकता है। तो बहुत ही ज़रूरी नहीं है कि सारा सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा, बट स्टोरी जो है वो पास्ट में ही टेक प्लेस कर रही है। एंड एट लास्ट एट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी यू हैव टू राइट अ मॉरल ऑल्सो। सो इस स्टोरी का मॉरल क्या होगा कि अगर हमें कोई हमारी कोई झूठी प्रशंसा करता है, यानी कि इफ़ अ पर्सन इज़ फ्लैटरिंग अस, वी शुड नॉट फॉल इन टू द ट्रैप। हमें उसके जाल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें फ्लैटर करके हमसे कुछ ना कुछ काम करवाना चाहता है। सो दिस वॉज स्टोरी राइटिंग विद दिस हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। ऐसे ही हम और भी आगे स्टोरी के वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे, जिससे आप अपने स्टोरीज़ को भी लिख सको और साथ ही साथ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट भी आता जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।